बच्चों, तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सोशल फार्मेसी का लेक्चर नंबर 8। देखो, जैसे जैसे बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की डिमांड थी नहीं, है ना, तो मुझे लगा हो सकता है बच्चों को ना देखने का मन हो। तो लेकिन कुछ बच्चे कमेंट करें, सर आठवां लेक्चर दे दीजिए। आठवां लेक्चर है डायटरी सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल्स का, ठीक। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, फूड सप्लीमेंट इंडिकेशन बेनिफिट और ड्रग फूड इंटरेक्शन का। मींस टोटल अगर बोले तो ये 9 लेक्चर में खत्म होगा। आज आठवां है, इसके प्रीवियस 7 लेक्चर्स बन चुके हैं, ठीक। तो शुरू करते भाई, डायटरी सप्लीमेंट क्या होता है। देखो, डायटरी सप्लीमेंट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम खाना ना खाएं और हम सिर्फ ये सप्लीमेंट ले लें तो हमारा काम हो जाए। देखो, यूजुअली रिकमेंडेड जो होता है हम लोगों को, वो होता है बैलेंस डाइट, है ना। बैलेंस डाइट रिकमेंडेड होती है। अब ये बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट का जब मैंने इसमें वीडियो बनाया था तो आप लोगों को काफी क्लियर हो गया था। तो बैलेंस डाइट यूजुअली खाने में हर वक्त लोग नहीं ले पाते। अब जैसे गए शाम को, कुछ खाना बनाने का मन नहीं, घर में पार्टी करने जा रहे हो, स्ट्रीट फूड गए, वहां पे भाई मोमोज खा लिए, पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए, पेट भर गया। अब ये सब चीजें क्या है, मतलब संपूर्ण आहार छोड़ो, आधा आहार भी नहीं है, हाँ, तो इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो होता क्या है, चूंकि आजकल कुपोषण ज्यादा हो रहा है, माल न्यूट्रिशन ज्यादा हो रहा है, लोगों को नेसेसरी सप्लीमेंट्स फूड से नहीं मिल पा रहे हैं, उसी के लिए कुछ जरूरत पड़ती है जो इसेंशियल डाइटरी सप्लीमेंट है। मींस फूड के साथ, विदेशों में लोग जितना खाना खाते हैं उतनी दवा भी खाते हैं। हाँ भाई, ये विटामिन ए की गोली हो गई, ये कैल्शियम की गोली हो गई, ये बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये वाला हो गया, ये आयरन का हो गया, इस तरह से ना, कि हाँ भाई अब हमने बैलेंस फूड खा लिया, कंप्लीट फूड हमारा हो गया, है ना। तो फूड को कंप्लीट करने के लिए जो सप्लीमेंट एडिशनली जरूरत पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइटरी सप्लीमेंट। डाइट की कमी को पूरा करने वाले जो एलिमेंट होते हैं, उनको डाइटरी सप्लीमेंट बोलते हैं आसान लैंग्वेज में। अगर इनकी कमी हो जाए तो लोग बीमार होने लगते हैं। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, इन्हेंस करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। डाइटरी सप्लीमेंट इज द प्रोडक्ट यू टेक टू सप्लीमेंट योर डाइट। डाइट के साथ सप्लीमेंट, है ना। इट कंटेन्स वन और मोर डाइटरी इंग्रेडिएंट, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, कुछ हर्ब्स हो गए, बॉटनिकल्स हो गए, कुछ अमीनो एसिड हो गए, कुछ अदर सब्सटेंसेस हो गए जिनकी जरूरत बॉडी को पड़ती है। डायटरी सप्लीमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय FDA एज ए फूड। जो डायटरी सप्लीमेंट है उसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एज ए फूड की तरह रेगुलेट करता है, ना कि एज ए दवा की तरह। मींस एज ए मेडिसिन बिल्कुल नहीं है। मींस इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है डॉक्टर से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना। मींस मेडिकल स्टोर पे बिकेगा ही बिकेगा ये श्योर नहीं है। मींस FDA इसको एज ए फूड की तरह लेता है। हाउएवर, मैनी डाइटरी सप्लीमेंट कंटेन इंग्रेडिएंट दैट हैव ए स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल इफेक्ट। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं जिनके बायोलॉजिकल प्रमाण, बायोलॉजिकल असर बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, मेडिसिनेटरी सप्लीमेंट्स आर द सब्सटेंस विच माइट यूज टू एड द न्यूट्रिएंट्स टू डाइट और टू लोअर रिस्क ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस या ऑर्थराइटिस। बोन का कमजोर हो जाना, है ना, या यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाना, या और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डायटरी सप्लीमेंट से उनके होने की संभावना कम कर सकते हैं। डायटरी सप्लीमेंट्स कम इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, मेडिसिंस के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, जेल्स आते हैं, कैप्सूल आते हैं, टैबलेट आते हैं, सीरप आते हैं, एक्सट्रैक्ट वगैरह आते हैं, है ना, लिक्विड कैप्सूल्स आते हैं। मीन्स इन सब फॉर्म में आपको डायटरी सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। मल्टीविटामिंस, गार्लिक की टैबलेट, फिश ऑयल कैप्सूल, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, नेचुरल वेट लॉस के जो बहुत सारी चीजें, नेचुरल वेट मतलब कि नेचुरली वेट लॉस होगा, है ना, सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स जो आते हैं, ये सब क्या है, डायटरी
सप्लीमेंट्स हैं। मींस अगर आपको एनर्जी खाने से बराबर नहीं मिल पा रही है तो हमें क्या है, एनर्जी ड्रिंक्स लेने पड़ते हैं, है ना, या फिर जरूरत से ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, जैसे लोग जिम वगैरह में जाते हैं जो कि उनको उतनी एनर्जी फूड से नहीं मिल पा रही जो वो इनटेक कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे उस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी ड्रिंक्स की जरूरत पड़ती है। मीन्स ये सप्लीमेंट है। डायट्री सप्लीमेंट फॉर एडल्ट की अगर बात की जाए तो पीपल ओवर एज में लीड टू मोर विटामिन एंड मिनरल देन यंगर एडल्ट्स डू। योर डॉक्टर और डाइटिशियन कैन टेल यू वेदर नीड टू चेंज योर डाइट, टेक विटामिन मिनरल सप्लीमेंट। जैसे जैसे देखो क्या है कि सबका सबको बैलेंस फूड चाहिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है डॉक्टर कहते हैं खाने को कम करो, है ना, क्वांटिटी ऑफ फूड कम करो, क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ा दो, डायटरी सप्लीमेंट्स की जरूरत वैसे वैसे बॉडी को ज़्यादा, बॉडी को जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग करने की जरूरत होती है, नहीं तो बीमारियां ज़्यादा तेजी से पकड़ती हैं। और डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए हथियार चाहिए, उन हथियारों के की जरूरत, कौन होते हैं हथियार, ये होते हैं हमारे डायटरी सप्लीमेंट होते हैं। जैसे कैल्शियम की बात करें, डायटरी सप्लीमेंट का पार्ट है कैल्शियम, वर्क्स विद विटामिन डी। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, बोन्स कमजोर हो जाएंगी, बोन लॉस कैन लीड टू फ्रैक्चर। अब अगर बोन कमजोर हो गई तो चलते चलते अक्सर लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, मीन्स ऐसा नहीं दौड़ रहे हैं किसी से लड़ रहे हैं तभी फ्रैक्चर हो, चलते चलते फ्रैक्चर हो जाता है, क्यों, क्योंकि बोन्स वीक हो गई हैं, राइट। कैल्शियम मिल्क में बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, कैंड फिश में है, सॉफ्ट बोन में है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, लेकिन चाहे जितना कैल्शियम खा लो, चाहे जितना, अगर विटामिन डी की मात्रा बॉडी में कम है तो कैल्शियम किसी काम का नहीं, ठीक। विटामिन डी की बात करें, मोस्ट पीपल यूज इन यूनाइटेड स्टेट टू कंज्यूम लेस देन रिकमेंडेड अमाउंट। देखो यूनाइटेड स्टेट में चूंकि ठंडा ठंडा देश है, ठंडक खूब पड़ती है, कहते हैं जिस दिन धूप निकल आती है लोग हॉलीडे मना लेते हैं और धूप खाने के लिए बीच पे चले जाते हैं, और ज़्यादातर देखो लोग कपड़े उतार के, ज़्यादातर है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी है उतना छोड़ के बाकी सब उतार के, क्यों, कम समय में पूरी बॉडी में धूप को एब्जॉर्ब कर पाए ताकि विटामिन डी उनको भरपूर मात्रा मिले। तो यूनाइटेड स्टेट में मैक्सिमम लोग विटामिन डी के डिफिशियंसी के शिकार होते हैं। टेक विद योर डॉक्टर अबाउट एडिंग द विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क। जो फोर्टिफाइड मिल्क, जैसे आप मॉल वगैरह में जाओ सोया मिल्क मिलता है, ये कैसा है, फोर्टिफाइड मीन्स मिल्क में जो चीजें हैं उसको बढ़ा दे। मिल्क में कैल्शियम है, बिल्कुल है, लेकिन विटामिन डी के बिना वो कैल्शियम बेकार है, तो उसमें अगर विटामिन डी मिला दिया जाए तो ये दूध फोर्टिफाइड हो गया, मीन्स जितना यूजुअली असर कर रहा था विटामिन डी के मिलने से वो पूरी तरह असर करेगा। मीन्स कि अगर विटामिन डी नहीं है उस दूध में तो आप कितना भी दूध का कैल्शियम पियोगे एब्जॉर्ब नहीं होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन वही विटामिन डी अगर है उस दूध में तो वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कराएगा, बोन आपकी स्ट्रांग होंगी। विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल्स आते हैं, फिश को डाइट में इस्तेमाल करो या विटामिन डी सप्लीमेंट, है ना, तो ये क्या है, ये सब डाइट सप्लीमेंट्स हैं। विटामिन B6 की बात करें जिसको हम पैराडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन इज नीडेड, ये विटामिन जरूरत होता है RBC की हेल्थ के लिए। फाउंडेड किसमें होता है भाई, पोटैटो बनाना चिकन ब्रेस्ट फीड्स एंड द फोर्टिफाइड सीरियल्स, इन सब चीज़ों में ये RBC के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी विटामिन है, विटामिन B6 जिसको हम पैराडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B12 RBC और नर्व हेल्थ, अगर विटामिन B12 साइनोकोबालामिन अगर कम है तो क्या होगा, अगर ये बॉडी ये कम हो गया तो जो आपकी नर्व हेल्थ है वो नर्व हेल्थ आपकी वीक हो जाएगी, है ना, अगर नर्व हेल्थ वीक हो गई तो फिर क्या होगा भाई, तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना, ठीक है। ठीक, तो अगर नर्व कमजोर हो गई तो इंसान को क्या है,
सेंस कम रहेगा, है ना। और जैसे बूढ़े लोगों में विटामिन B12 की कमी खूब हो जाती है, इसीलिए उनकी उनमें ब्लड भी कम हो जाता है, उनकी नर्व्स भी कमजोर हो जाती हैं। सम हैव ट्रबल एब्जॉर्बिंग द विटामिन नेचुरली फाउंड इन फूड, बहुत सारे लोगों में विटामिन B12 जो नेचुरली एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी नहीं रह जाती है। If you have this problem, doctor may recommend to eat like fortified food. अगर आपके अंदर इस तरह की समस्या है कि naturally absorb नहीं कर पा रहे हो, तो doctor suggest करेगा कि अब आप fortified food जिसमें vitamin B12 के supplements हैं उनको intake करना शुरू करो, है ना। Strict vegetarian लोगों में vitamin B12 की कमी खूब पाई जाती है। जो strictly vegetarian हैं उनको रिस्क हमेशा रहता है B12 की डिफिशियंसी का, क्योंकि नेचुरल फूड में बहुत कम लिमिटेड सोर्स हैं जिसमें विटामिन B12 मिलता है, इसीलिए डॉक्टर विटामिन B12 के सप्लीमेंट की बात करता है। तो जो लोग प्योरली वेजिटेरियन हैं उनको साइनोकोबलामिन यानी विटामिन B12 की कमी होती है, जिससे दुनिया भर की बहुत सारी तरह की बीमारी हो सकती है। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा बेटा विटामिन B12 की टैबलेट लेना शुरू करो, नहीं तो याददाश्त चली जाएगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, खून कम हो जाएगा, जो आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स हैं जो RBC हैं वो कमजोर हो जाएंगी, डेड होनी शुरू हो जाएंगी, खून की मात्रा शरीर में घटती चली जाएगी। बात समझे। फिर बेनिफिट ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट की अगर बात करें, रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक एज रिलेटेड डिजीज, जो बुढ़ापे में जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं वो बीमारियां नहीं होंगी। इम्यून सिस्टम आपका इंप्रूव रहेगा, रिड्यूस जो नॉन डिफिशियंसी या डिफिशियंसी डिजीज हैं वो कम हो जाएंगी। एथलेटिक परफॉर्मेंस मींस बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। डिसएडवांटेज की बात करें, अगर एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट ले लिया तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। विटामिन ए अगर ज़्यादा है, हेडक हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और बर्थ डिफेक्ट तक हो सकता है। अगर आयरन ज़्यादा हो गया तो नौजिया, वोमिटिंग और लीवर डैमेज। लीवर डैमेज तो देखो, लीवर और किडनी डैमेज, हर तरह के किसी भी चीज़ का एक्सेस हो गया तो इन दोनों पर प्रभाव सबसे पहले। अगला जो टॉपिक है वो है भाई न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स देखो आया है न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल से। पोषण की दवा को बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। जो पोषण को, जो फार्मास्यूटिकल्स में पोषण को बढ़ाने के लिए जो दवा बनाया जाए, दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो पौष्टिक औषधि बोल सकते हो न्यूट्रास्यूटिकल को, जो न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना है। एक खाद्य या खाद्य उत्पाद जो बीमारी की रोकथाम उपचार के लिए स्वास्थ्य को चिकित्सकीय लाभ प्रदान करता है, है ना। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें, हिंदी खूब हो गई। टर्म जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है ये क्वाइंड हुआ है न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल से। कब हुआ है? 1989 में किया किसने? स्टीफन डे फेलिस ने 1989 में न्यूट्रास्यूटिकल्स टर्म जो है उन्होंने क्या किया था, क्वाइंड किया था, मीन्स पता लगाया था। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो फूड, या तो फूड या फूड का पार्ट, एंड प्रोवाइड द मेडिकल हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स बॉडी को स्ट्रेंथ, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई बीमार है तो वो ठीक हो जाएगा, अगर कोई बीमार नहीं है तो बीमार ना, मीन्स प्रिवेंशन के लिए उसको बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे प्रोडक्ट में रेंज फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट, स्पेसिफिक डाइट टू जेनेटिकली इंजीनियर, मीन्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं वो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स का ही तो पार्ट है। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा, अब जो कनाडा में इसकी डेफिनेशन है, जो वहां का जो हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य महकमा है, वो इसको किस तरह डिफाइन करता है वो देखते हैं भाई। कनाडा के अकॉर्डिंग, अ प्रोडक्ट आइसोलेटेड और प्यूरिफाइड फ्रॉम द फूड, जनरली सोल्ड इन द मेडिसिनल फॉर्म, नॉट एसोसिएटेड विद फूड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू हैव द फिजियोलॉजिकल बेनिफिट, इट ऑल्सो प्रोवाइड बेनिफिट अगेंस्ट क्रोनिक डिजीज। जो कनाडा का हेल्थ मिनिस्ट्री है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स को बोलती है कि इसको फूड से ही हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेटेड प्यूरिफाइड, आइसोलेट किया, प्यूरिफाई किया, किससे? फूड से। मीन्स जैसे अभी बच्चे को मेरे डेंगू हुआ है ना, तो डेंगू में कुछ दवाएं चलती हैं होम्योपैथिक की,
जिसे गिलोय है ना। अब गिलोय कहते हैं कि गिलोय का काढ़ा सीधा पिला रहे हैं तो दवा देने की क्या जरूरत है। अब जब गिलोय का काढ़ा आप पिला रहे हो, ये आरबीसी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, सॉरी प्लेटलेट्स के, और डब्ल्यूबीसी बढ़ाने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में। तो होता क्या है कि जो काढ़ा आपने लिया उसमें उस इंग्रेडिएंट की मात्रा कम है, लेकिन जब कोई मेडिसिन आप होम्योपैथिक की ले रहे हो जिसने उसी एक्सट्रैक्ट को स्पेशली बनाया है, अब जब काढ़ा ले रहे हो तो उसमें 10 तरह के केमिकल्स, केमिकल इंग्रेडिएंट अलग से जा रहे हैं, लेकिन जब आप कोई दवा ले रहे हो तो एग्जैक्टली जिस केमिकल कंस्टिट्यूएंट की जरूरत है एग्जैक्टली बॉडी को वही कंस्टिट्यूएंट मिल रहा है, बराबर। तो फूड खाने से 70 चीजें मिलेंगी, लेकिन उस फूड से जो इसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं उनको निकालना, आइसोलेट करना और प्यूरिफाइड करना, सबको अलग अलग रख लेना, फिर जिसकी बॉडी में जिस चीज की कमी है उस चीज से रिलेटेड न्यूट्रिशन ऐड कर दो, उस चीज से रिलेटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स उसको दे दो। भाई किसी की बॉडी में आयरन की कमी है तो उसको कैल्शियम की गोली की क्या जरूरत है, किसी की बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो उसको विटामिन ए की जरूरत नहीं है, उसको विटामिन B12 का ही न्यूट्रास्यूटिकल्स दो, ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल्स जिसमें विटामिन B12 हो, समझ रहे हो ना। तो ये आइसोलेट किया गया, ये प्यूरिफाइड किया गया है फूड से, और इसको मेडिसिनल फॉर्म में, मेडिसिनल फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके फिजिकल फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऐसे हैं जो उस चीज की बीमारी से लड़ने में मददगार है, ऐसा बोलता है हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा। फंक्शनल फूड प्रोवाइड्स द बॉडी विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन फूड। अब जो फंक्शनल फूड है, जो फंक्शनल जो खाते हैं हम, वो एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड करते हैं, विटामिन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो जीने के लिए जरूरी है, जो जीने के लिए जरूरी है। लेकिन अब जरूरी ये भी नहीं है कि आप इसमें संपूर्ण आहार या बैलेंस डाइट खा रहे हो, कहीं कमी रह गई किसी में, है ना। तो व्हेन फंक्शनल फूड एड्स इन द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज डिसऑर्डर्स अदर देन एनीमिया कॉल्ड द न्यूट्रास्यूटिकल्स। एनीमिया के अलावा किसी चीज की बीमारी से जो फूड एडिशनली हम लेते हैं, मींस बीमारी से बचने के लिए, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन फंक्शनल फूड एड्स, मींस फंक्शनल फूड नहीं, एड्स जो लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, उनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल न्यूट्रास्यूटिकल्स इंक्लूड फोर्टिफाइड डेयरी मिल्क, है ना, सिट्रस फूड जैसे ऑरेंज का जूस, हम ऑरेंज ना खा के जो टेट्रा पैक में ऑरेंज जूस आते हैं हमने उसको लेना शुरू किया, मिल्क गाय का ना पी के फोर्टिफाइड मिल्क लेते हैं जो टेट्रा पैक में आते हैं, मॉल में बिकते हैं, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स। वही सेम दूध आप जब पीते हो, कहाँ का, जो घोसी दे के जाता है ना घर के सामने जानवर से निकलवाते हो, वो न्यूट्रास्यूटिकल नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल कौन है, जब इसी दूध को फोर्टिफाइड कर दिया गया, इसी में विटामिन डी मिला दिया, और विटामिन डी मिला के टेट्रा पैक में पैक करके मॉल में बेच रहे हो फ्रिज में रख के, वो क्या है, फोर्टिफाइड मिल्क है, ठीक। अब DSHEA क्या है, डायट्री सप्लीमेंट हेल्थ एजुकेशन एक्ट, DSHEA डायट्री सप्लीमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट बनाया गया। ये एक्ट 1994 में यूएसए ने बताया क्या कि डायटरी सप्लीमेंट फूड नॉट ड्रग, ये डायटरी सप्लीमेंट ये फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल्स ये फूड है, कोई दवाई नहीं है। DSHEA नॉर्मली डिफाइंड द डायटरी सप्लीमेंट यूजिंग द सर्वाइवल क्राइटेरिया, इनको कैटेगराइज किया है कई कैटेगरी में कि सर्वाइवल के लिए, बीमारी से बचने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। तो डायटरी सप्लीमेंट प्रोडक्ट अदर देन टोबैको, खैनी, तंबाकू, ये डायटरी सप्लीमेंट नहीं है, ठीक। दिस इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द डाइट दैट बियर्स द कंटेंस वन और मोर फॉलोइंग डायटरी सप्लीमेंट जैसे विटामिन मिनरल्स, एक या एक से अधिक, जिसमें विटामिन मिनरल्स या बहुत सारे हर्ब्स, बहुत सारे बॉटनिकल्स, बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारे डायटरी सप्लीमेंट होते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं, आइसोलेट करते हैं, प्योर करते हैं, और फिर जिसको जैसी डिफिशियंसी उसके हिसाब से डॉक्टर रिकमेंड कर देता है उन इंग्रेडिएंट्स को, फिर वो इंग्रेडिएंट्स कई फॉर्म में, जैसे पिल्स के फॉर्म में बनाए गए, है ना, एक्सट्रैक्ट है, कैप्सूल बना लिए गए, लिक्विड फॉर्म में बना लिए गए, इनको नॉट रिप्रेजेंटेड फॉर एज द कन्वेंशनल फूड, जो हम ये खाना खाते हैं उस तरह ऐसा नहीं है कि एक एक थाली ले ली उसमें भाई हाँ विटामिन बी के कैप्सूल ले लिया, विटामिन ए का कैप्सूल ले लिया,
कैल्शियम का कैप्सूल ले लिया, मिनरल का कैप्सूल ले लिया, भाई अब आज हम खाना ना खाएंगे, आज हम यही खाएंगे, है ना। ये भी नहीं है, इसको कन्वेंशनल फूड नहीं बोल सकते, ये सप्लीमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल से एक तरह से फोर्टिफाइड फूड है, ये एडिशनली मिला सकते हैं खाने के साथ। ये कहो अब जैसे दूध है, दूध में कॉम्प्लान मिला दिया गया, हॉर्लिक्स मिला दिया गया, क्यों मिलाया गया, उस दूध को फोर्टिफाइड दूध बनाने के लिए। अब वो दूध फोर्टिफाइड हो गया, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा वो फायदेमंद हो गया। अब वो न्यूट्रास्यूटिकल, कौन ये जो कॉम्प्लेक्स हॉर्लिक्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये फोर्टिफाइड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, है ना, डायटरी सप्लीमेंट। ठीक, चमनप्रास खाते हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, सब क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, है ना। फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट अगर देखा जाए तो फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स में ऑफर मेनी बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट हैं इनके। क्या है, इंक्रीज हेल्थ वैल्यू, सब में पूरे न्यूट्रास्यूटिकल्स का मेन टारगेट हेल्थ वैल्यू इंक्रीज करना, लंबे समय तक जीना और बिना बीमारी के जीना, है ना, पर्टिकुलर मेडिकेशन कंडीशन को अवॉइड करना, ज्यादा बीमार करके हॉस्पिटलाइज ना होना, है ना, बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं। नेचुरल ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइकली टू प्रोड्यूस द अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट मे परसीव टू बी मोर नेचुरल, मीन्स कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि इंसान नेचुरल फूड के आसपास ज्यादा रहे, इंस्टेड ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग फूड, जो मेडिसिन है, है ना, उससे लंबे समय तक जियोगे, बिना बीमारी के जियोगे और हेल्दी रह के जियोगे, राइट। क्लासिफिकेशन की बात करें न्यूट्रास्यूटिकल्स की, तो एक आता है पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल, एक आता है एस्टेब्लिश न्यूट्रास्यूटिकल्स, दोनों में बड़ा माइन्यूट सा फर्क है, एक पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स और एक एस्टेब्लिश्ड। जो पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है, वन दैट होल्ड द प्रॉमिस पर्टिकुलर हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट सच एज द पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स ओनली बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड अदर वन आफ्टर दे आर द सफिशियंट क्लिनिकल डेटा। अब जो पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये नया कुछ बनाया गया और ये प्रॉमिस करता है, उसने करके नहीं दिखाया, उसने प्रॉमिस किया कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, राइट। कई बार केसेस में जैसे मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, ये क्या है, पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स, प्रॉमिस किया उसने। अब कई बार केसेस में हकीकत में क्या आता है कि फिर उस पर क्या होता है कि भाई ये एक जुमला था, मींस प्रॉमिस किया। अब सारे के सारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो प्रॉमिस करते हैं हम इतनी बीमारियों से बचाएंगे, जब उनका क्लिनिकल डेटा इकट्ठा किया जाता है तो टाटाएं फिस, है ना। उसी तरह से अब पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, ये प्रॉमिस को होल्ड करते हैं, प्रॉमिस को होल्ड करते हैं कि हम पर्टिकुलर हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे। अब इन्हीं में से सबके एक्सपेरिमेंट किए गए और जब सफिशियंट क्लिनिकल डेटा जिनका निकल के आया, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो कहा उन्होंने वो किया, जिन्होंने जो कहा कि हम भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लास्ट में उन्होंने करके दिखाया। एस्टेब्लिश्ड, इसी को बोलते हैं एस्टेब्लिश्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स, मीन्स सफिशियंट डेटा है, इन्होंने दिल्ली में और पंजाब में ये करके दिखाया, तो अब अगर ये गुजरात में बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे भी रोजगार देंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, यहाँ पे हम शिक्षा को बढ़ाएंगे, अगर ये ऐसा बोलते हैं तो उसके पीछे का रीजन है, पब्लिक इन पे ट्रस्ट कर रही है, वजह क्योंकि इन्होंने पंजाब और दिल्ली में करके दिखाया, एस्टेब्लिश्ड डेटा है। लेकिन मोदी जी अगर कहें हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो इन्होंने चुनाव प्रचार में भी बोला, तो इसका एस्टेब्लिश्ड डेटा नहीं है कि इन्होंने जो कहा वो किया, इन्होंने कहा हम 15-15 लाख देंगे, बिहार गए इतने हजार करोड़ का पैकेज, बिहार तो आज भी वही है, किसी पब्लिक की जेब में कुछ आया नहीं। कहने का मतलब इसका जो इन्होंने कहा वो करके दिखाया, इसका एस्टेब्लिश्ड डेटा नहीं है, राइट। तो पोटेंशियल और एस्टेब्लिश्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स में फर्क सिर्फ इतना है कि पोटेंशियल बोलता है, पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलता है
और एस्टेब्लिश्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स कहता है कि हमने ये करके दिखाया, हमारा डेटा देख लो, ये फर्क है। ठीक, तो जो पोटेंशियल है भाई, पहले जैसे केजरीवाल बोल रहे हैं कहां दिल्ली में पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स, हम ये करेंगे। अब अगर ये वहां पे कर देते हैं तो ये हो गया एस्टेब्लिश्ड, मींस सरकार आ गई, है ना। तो ये फर्क है भाई। और इट इज डिसअपॉइंटिंग टू नोट दैट द ओवरहेलमिंग द मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट द पोटेंशियल कैटेगरी वेटिंग टू बिकम एस्टेब्लिशमेंट। ये बहुत ही शर्मनाक है कि आज भी हमारे यहां पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स ज्यादा मात्रा में है, मींस जो लोग बोलते हैं इंतजार है पब्लिक को कि जो उन्होंने बोला वो अब होगा, हमको रोजगार मिलेगा आने वाला समय। ये भी हो सकता है कि अगर एक टाइम खाना मिल गया तो पब्लिक चिल्लाएगी, वाह मोदी जी वाह, जय हो मोदी जी, आज हम खाना खा लिए, आज हम खाना खा लिए, जीना ही विकास हो गया। खैर, फूड प्रोडक्ट्स यूज द न्यूट्रास्यूटिकल्स आर कैटेगराइज्ड एज, कैसे कैटेगराइज करते हैं फूड न्यूट्रास्यूटिकल्स को, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, डिफरेंस ध्यान रखना अभी बताते हैं ना, डायटरी फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, तो फूड की जो कैटेगरी है न्यूट्रास्यूटिकल्स की उसको डिवाइड किया गया है प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, ओमेगा 3 फैटी एसिड, डायटरी फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट में होते क्या है भाई देख लो। अब पहले बात करें भाई का है कि प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स हम जो खाते हैं, हमने लाइव बैक्टीरिया खा लिया, लाइव बैक्टीरिया खा लिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। कोई खाना, कोई बच्चा है उसको दूध हजम नहीं होता, मींस उसकी बॉडी में लैक्टोबैसिलस की कमी है, उसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पिला दो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उसके लिए वो बैक्टीरिया न्यूट्रास्यूटिकल हो गया, डायरेक्ट बैक्टीरिया दे दिया प्रोबायोटिक्स। मींस दही खिला दो, दही में लैक्टोबैसिलस हेल्प करता है दूध को दही बनाने में, वही दही खिलाओ, पेट में जाके हजम होगा भाई। इसीलिए जो दूध होता है उसके जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको कर्डलिंग बोलते हैं, दूध से पहले दही बनता है पेट में भी जाके। ठीक, फूड सप्लीमेंट दैट कंटेन्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटेंडेड टू मेंटेन इंप्रूव द गुड बैक्टीरिया नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा जो हमारी बॉडी में होता है। किसी चीज की कमी हो गई तो उसको हम लाइव खा लिए, जैसे योगर्ट, मिसो सूप, सॉफ्ट चीज, है ना, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, फंगस एस्परजिलस, यीस्ट है। रूट क्या है, प्रोबायोटिक, प्रो मतलब प्रमोट करना, बायोटिक मतलब लाइफ, बैक्टीरिया जो हेल्दी बैक्टीरिया हमको रिक्वायर्ड है उसको बॉडी के अंदर उसका लाइव प्रमोट करना, जिंदा बैक्टीरिया खा जाना, प्रोबायोटिक। ऐसे सप्लीमेंट, ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, बात समझे, प्रो और प्री का डिफरेंस। फिर दूसरा पॉइंट है प्रीबायोटिक्स। अब जो फूड खाया है, जब हमने बैक्टीरिया खाया है तो बैक्टीरिया की हेल्थ के लिए उसको भी तो खिलाना पड़ेगा भाई, हाथी खाली पाल लिए हो, अगर खिलाओगे नहीं तो मर जाएगा, बैक्टीरिया खा लिए हो अब बैक्टीरिया को खाना खिलाओ, तो वो जो फूड है उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स द फूड टिपिकली कौन सा, हाई फाइबरस फूड, ये क्या करता है, एक्ट एज द फूड फॉर ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा, जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोफ्लोरा है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी हेल्थ को बना के रखने वाला जो फूड है दैट इज कॉल्ड प्रीबायोटिक्स। एग्जाम्पल, गार्लिक, बनाना, रॉ ऑनियन, रॉ एस्परेगस, है ना, एंटीचोक्स, जेरूसेलम, ये सब क्या हैं, ये प्रीबायोटिक्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस कब किया, गिब्सन और रॉफ्रोड ने किया 1995 में। प्रीबायोटिक्स आर एन अल्टरनेटिव ऑफ प्रोबायोटिक या कोफैक्टर, प्रोबायोटिक का क्या है, अल्टरनेटिव है, नॉन डाइजेस्टेबल फूड, भाई फाइबर्स नॉन डाइजेस्टेबल हैं लेकिन हेल्प करते हैं फूड के मूवमेंट के लिए, है ना।
विश्व संगठन के अनुसार जो प्रोबायोटिक हैं ये जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो लाइव बैक्टीरिया खाते हैं, जिनका सेवन करने पे मानव शरीर में जरूरी तत्व सुनिश्चित होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, जीआईटी के हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये शरीर में अच्छे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं जिससे पाचन क्रिया अच्छी तरीके से होती है, है ना। दो तरह के जीवाणु होते हैं, एक मित्र होता है और एक शत्रु होता है। मीन्स कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। बुरे होंगे तो अल्सर हो जाएगा, बुरे होंगे तो डिसेंट्री हो जाएगी, अच्छे होंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, है ना। फिर आती बात का है कि डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स जैसे ओट मील हो गया, चिया सीड हो गया, नट हो गया, बीन्स हो गया, लेंटिल्स, एप्पल्स और ब्लूबेरीज, ये सब क्या है? डाइटरी फाइबर्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लैक्स सीड, सोयाबीन और कैनोला ऑयल हो गया, ठीक। फिर एंटीऑक्सीडेंट, ब्रोकली, स्पिनेच, कैरेट, पोटैटो, है ना, फ्रूट्स, इन सब चीजों में क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारे क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक। तो ये बात रही भाई। अब एरिया कोड न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें, ऑल थेरेपेटिक्स सच एज एंटी अरिदमिक, पेन किलर, कोल्ड, कफ, इन सब चीजों से जो बचा के रखते हैं, मीन्स स्पेशली कोर न्यूट्रास्यूटिकल्स एक कैटेगरी वाइज है, तो उनको क्या बोलते हैं? कोर कवर्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक। इनके लिए स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, कैंसर से बचाने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल से बचाने के लिए, डिप्रेशन है, डायबिटीज से बचाने के लिए, मींस एक थेरेपेटिक एरिया है रिस्ट्रिक्टेड, उन सबको क्या बोलते हैं? एरिया कोड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फिर न्यूट्रास्यूटिकल रिवोल्यूशन की बात करें तो डिफाइंड फूड एंड पार्ट ऑफ फूड। भाई फूड या पार्ट ऑफ फूड ये प्रोवाइड करता है हेल्थ और मेडिकल बेनिफिट से, इंक्लूडिंग हेल्थ को प्रिवेंट करता बीमारियों से, और बीमारी हो गई तो बीमारी को ठीक करने में। फाउंड इन मैनी इमर्जिंग फ्रॉम कैसे फूड इंडस्ट्री में, हर्बल एंड डाइटरी सप्लीमेंट में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और न्यूली इमर्ज एग्री बिजनेस और न्यूट्रिशन कॉग्लोमरेट्स। मीन्स ये क्या है? रिवोल्यूशन न्यूट्रास्यूटिकल्स में आने वाले समय में जो लगातार होते चले आ रहे हैं। ये बात रही भाई का है कि न्यूट्रास्यूटिकल डाइटरी सप्लीमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड सप्लीमेंट, वहां देखेंगे डाइटरी सप्लीमेंट और फूड में क्या अंतर है, फिर ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बाय।